गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं तो आपको अपने सामान की खुद ही सुरक्षा करनी होगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय समय पर गुरुग्राम में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिसे देखकर लगता है कि पुलिस तो शायद आपकी कोई मदद करेगी नहीं, इसीलिए आपको अपने सामान की खुद ही सुरक्षा करनी होगी। दरअसल एक घटना ऐसी ही गुरुग्राम में सामने आई है, जहां पर बादशाहपुर इलाके में 15 मार्च को सुबह तकरीबन 7 बजे एक चोर एक गली में घुसता है और उसके बाद वो अलग अलग घरों की रेकी करता है, वहाँ देखता है कोई सामान रखा है या नहीं रखा है। उसके बाद एक किराए के मकान में वो घुसा और वहाँ पर 3-4 फ्लोर तक वो ऐसे ही एक एक मकान के कमरे के दरवाजे खोलकर चेक करता रहा कि कौन से कमरे का दरवाज़ा खुला है। और जब उसको एक कमरे का दरवाज़ा खुला मिला तो उस कमरे में वो घुस गया और उसके बाद उसने कमरे में रखे 2 महंगे महंगे मोबाइल को वहाँ से चुरा लिया। इतना ही नहीं, इस घटना को अंजाम देने के बाद ये शातिर चोर बड़ी ही आसानी से फरार हो गया। उसको फ़ायदा ये मिला कि जो कोरोना आजकल चल रहा है, कोरोना महामारी, उसके चलते मास्क लगाना पड़ रहा है हर किसी को, तो मास्क लगाकर ही वो इस गली में गया और बड़े ही आराम से, बड़े ही कॉन्फिडेंट से वो इस गली में घुसा और चोरी की वारदात को देखकर बड़ी आसानी से रफू चक्कर हो गया। उस चोर की उस घर में घुसते हुए ये पूरी सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई है। लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि जब फ़ोन के मालिक बादशाहपुर पुलिस थाने पहुँचे इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो पीड़ित का ये कहना है कि पुलिस ने उनकी FIR दर्ज की ही नहीं। दरअसल जब वो पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उनको कहा कि आप किसी कंप्यूटर शॉप पर जाकर वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी लॉस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ऑनलाइन दर्ज कराइए। जिनका फ़ोन चोरी हुआ उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी, इसीलिए वो पुलिस वालों के कहने पर उस अपने फ़ोन को जो चोरी हुआ है उसकी शिकायत दर्ज ऑनलाइन कराने चला गया। लेकिन जो हरियाणा पुलिस की ऑनलाइन शिकायत दर्ज होती है लॉस्ट प्रॉपर्टी की, उस शिकायत में नीचे अगर आप गौर से देखें तो जो डिस्क्लेमर दिया हुआ है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस शिकायत का मतलब ये नहीं है कि आपकी खोई हुई संपत्ति की कोई इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो पीड़ित है उनका ये कहना है कि जब वो दोबारा पुलिस थाने गए ये शिकायत दर्ज कराने के बाद कि CCTV फुटेज उनके पास है, चोर की पहचान है, उस फुटेज को जब वो देने गए तो पीड़ित का ये आरोप है कि उनको कोई भी जो पुलिसकर्मी था उन्होंने कोई भी उनको सीरियसली नहीं लिया और CCTV फुटेज उनसे नहीं लिए, इसीलिए 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद वो पुलिस थाने से वापस आ गए। अब बड़ी बात ये है कि जब चोरी हुई है, CCTV फुटेज है, चोर उसमें दिखाई दे रहा है, तो पुलिस ने चोरी की शिकायत दर्ज क्यों नहीं की? क्यों पुलिस ने पीड़ित को ये कहा कि आप लॉस प्रॉपर्टी की शिकायत दर्ज कराइए? उसका मकसद हम आप लोगों को बताते हैं। दरअसल किसी भी थाने की कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस थाना क्षेत्र में कितनी चोरी की, लूट की, स्नैचिंग की वारदातें कम हुई है। अगर किसी थाना क्षेत्र में इस तरह की वारदातें कम हुई है तो इसका मतलब ये है कि उस थाना क्षेत्र के जो पुलिसकर्मी हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। और गुरुग्राम में इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो आप देखिए कि पुलिस जो है गुरुग्राम वो इस तरह से अपने थानों में क्राइम को रिकॉर्ड में दर्ज ना करके अपना जो क्राइम रिकॉर्ड है उसको सुधार रहे हैं। एक जानकारी और आपको दे दें कि पुलिस के रिकॉर्ड में चोरी, छीना झपटी, स्नैचिंग, इस तरह की जो वारदातें होती हैं वो हीनियस क्राइम में काउंट होती है। और अगर किसी थाना क्षेत्र में इस तरह की वारदातें बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है उस थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी और उस थाना के प्रभारी, उनकी साफ तौर पर जिम्मेवारी होती है। और कई बार इस तरह की वारदातों के बढ़ने के बाद थाना प्रभारी तक को निलंबित या फिर लाइन हाजिर कर दिया जाता है। लेकिन गुरुग्राम में शायद आपको ऐसा देखने को मिले, क्योंकि किसी भी थाने में अगर इस तरह से चोरी, इसी थाना क्षेत्र में इस तरह की चोरी हुई है और उस चोरी की जब शिकायत ही दर्ज नहीं की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि पुलिस वालों पर गाज कहां से गिरेगी। यहां पे एक चोर आया था, उसने फिर सारे रूम, मैंने CCTV फुटेज में देखा था, उसने सारे रूम पे आके पहले दरवाज़ा खटखटाया और जो दरवाज़ा खुला था उसके अंदर घुसा और झांक के देख रहा था कोई सो गया, नहीं सोया तो जाके वो मोबाइल उठा के लेके गया था। और जैसे ही मेरे रूम पे भी आया था, मेरा मेन डोर बंद था, फिर उसने बालकनी की तरफ आया, मेरा बैक डोर था वो थोड़ा सा खुला था और मैं वॉशरूम में गया था नहाने, उसने अंदर आके फिर 2 मोबाइल लेके और कुछ पैसे थे वो लेके चले गए।
क्या क्या सामान आपका लेके गए, कितना कीमत का सामान था? मेरा था टोटल 26,000 का सामान था, मोबाइल और कुछ कैश थे मेरे, वो लेके गया है। तो आप पुलिस में गए, क्या कुछ रहा वहाँ पे? हमने पुलिस स्टेशन गया था, यहाँ पे बादशाहपुर पुलिस स्टेशन गए थे, मैं और मेरा फ्रेंड, उसका भी मोबाइल गया था। तो पुलिस लोगों ने बोला वहाँ पे ऑनलाइन होता है, एक दुकान था वहाँ पे डीएस शर्मा कुछ, उसमें जाइए और आप ऑनलाइन रजिस्टर कीजिए कि एफआईआर कीजिए। तो हमने वहाँ पे किया, फिर वहाँ पे 100 रुपीज़ दे के हमने कर दिया। उसके बाद फिर से हम लोग पुलिस स्टेशन गए, सीसीटीवी कुछ फुटेज बताने किसी को, और किसी ने रिस्पॉन्स दिया नहीं। हम लोग एक घंटे वहाँ पे वेट करके वापस चले आए। तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की? नहीं, वो तो ऑनलाइन कर दिए थे हम लोग, बस लॉस प्रॉपर्टी की उन्होंने आपने दर्ज किया था। वो किया था। क्या बोला आप जब आपने एफआईआर के लिए बोला पुलिस को, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला जा ऑनलाइन कर लो। एक वहाँ पे कांस्टेबल था, उसने बोला वहाँ पे ऑनलाइन होता है सामने वाली दुकान में, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन करो तभी होगा। एक दूसरी सीसीटीवी फुटेज भी हमारे हाथ लगी है। ये सीसीटीवी फुटेज भी 15 मार्च सुबह तकरीबन 1:30 बजे की है, जो कि गुरुग्राम के हरसरू इलाके में सरस्वती एनक्लेव की है, जहां पर गाड़ी में चोर आए और गली में खड़े ऑटो को लेकर वो फरार हो गए। इस तरह की कई खबरें हमने आप लोगों को दिखाई है, लेकिन बावजूद इसके साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों की हिमाकत बढ़ती ही जा रही है। पुलिस का डर किसी भी चोर में नहीं रह गया और वो बड़े ही बेखौफ तरीके से इस तरह की वारदातों को आसानी से अंजाम देते हैं। और पुलिस अगर मोबाइल पकड़ती है तो वो लॉस्ट मोबाइल पकड़ती है, यानी कि जिन लोगों के मोबाइल गुम हुए हैं उन मोबाइल को पकड़ती है, लेकिन कभी ये नहीं बताती है कि कितने आरोपी पकड़े गए हैं। इस खबर को दिखाने का हमारा मुख्य मकसद यही है कि आप अपने घरों में भी सचेत रहें। बाहर तो आप लोगों ने ऐसी स्नैचिंग की, लूटपाट की घटनाएं काफ़ी सुनी होंगी, लेकिन घरों में भी दिन दहाड़े, दिन के उजाले में इस तरह से चोर घुस जाते हैं और आपके कीमती सामान को लेकर फुर हो जाते हैं। इसीलिए हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप अगर अपने घर में भी हैं तो सचेत रहें। आपके गली मोहल्ले में आपको कोई अज्ञात व्यक्ति दिखता है तो उससे पूछताछ जरूर करें, उससे जानकारी जरूर लें कि वो किसके घर जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, ताकि इस तरह की वारदातों को कम से कम आप अपने स्तर पर रोक सकें। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि पुलिस के आला अधिकारियों तक ये सच्चाई तो पहुँचे। कहीं ऐसा तो नहीं कि थाना स्तर पर जो कार्रवाई की जा रही है वो बड़े अधिकारियों तक पहुँचती ही ना हो। नमस्कार।